यार बैठे बैठे ना कमर अखड़ गया है, बट वीडियो तो शूट करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करना चाहूंगा मेरे नए वीडियो में। आज वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के रूल बुक के बारे में। अभी जस्ट मैंने देखा कि रूल बुक अलॉट हो चुका है प्लेयर्स के लिए, जहां पे सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। काफी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे उभर के आ रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी नॉलेजेबल हो जाओ। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइट में, उन लोगों के लिए और अच्छा हो जाए। तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 11,000 सब्सक्राइबर्स थाईलैंड में ऑन है, ब्राजील में हम लोगों ने देखा ऑन है, और बाकी सारे रीजन में भी ऑन आपको नजर आ रहा है ये रिवाइवल सिस्टम, एंड वर्ल्ड सीरीज में भी ऑन होगा। तो अगर इंडियन टीम को एफएफआई में मौका नहीं मिलेगा तो उनको वर्ल्ड सीरीज में जाके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला था। तो अब जो है ये आप एक बहुत ज्यादा फेयर एंड मतलब फेयर एंड लवली वाला मैं बोल सकता हूँ कि परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इन वर्ल्ड सीरीज। बट एफएफआई में बोथ द अंडरडॉग्स एंड द टीयर वन टीम्स have to adapt now. अब उन सारे टीमों को सीखना पड़ेगा FFC mode. अब देखो on हो गया है, इसका मतलब FFC mode में भी on रहेगा। अब FFC mode जो है सबसे पहला stage है Free Fire India Championship का, इसका एक और मतलब है, which means tier 1 teams and underdogs दोनों सेम लेवल पे खेलेंगे। अब underdogs के पास भी बहुत बड़ा मौका है कि वो भी उभर के आ सकते हैं। 42 teams जो qualify होने वाले ना, अब वहां पे भी आपको काफी सारे changes देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा tough हो जाएगा उन टीमों के लिए जो tier 1 लेवल पे खेल चुके हैं, जो आप बहुत दिनों बाद FFC मोड खेल रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट बहुत क्लियरली एंड बोल्डली लिखा हुआ है वो है उम्र, यानी कि 16 साल की लिखा हुआ है कि आप अगर 16 साल के हो या फिर 16 साल से ज्यादा के हो तो ही आप FFIC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपका जो मन में सवाल है कि आपका बर्थडे इस साल है, आप इस साल 16 के हो जाओगे। देखो 16 साल के होने में और 16 साल के हो, ये दोनों शब्दों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अगर ये 16 साल के हो रहे हो इस साल, ये चक्कर में अगर आप घुस गए टूर्नामेंट में और आप हुए नहीं है, तो फिर आप फंस सकते हैं। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। आपको पता है गरीना इस सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको एलिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। तो बी वेरी वेरी श्योर कि आप जो भी आगे कदम उठाए, तो बहुत लोगों को तो अब तो पता लग ही गया कि क्लोज क्वालिफायर जो है अब लाइव स्ट्रीम पे होने वाला है, विच मीन्स एक और बड़ा अनाउंसमेंट, जिसका मतलब अब अंडरडॉग्स को भी एक बहुत बड़ा मंच होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है, देखो 1 करोड़ का प्राइस पूल है, ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पे जो आएंगे उनको 50 लाख मिलने वाला है। इतना बड़ा स्टेक है, वर्ल्ड सीरीज कनेक्टेड है इससे, तो इतना तो बनता ही है। करीना आई थिंक वेरी वेरी थैंक यू टू देम कि अब अंडरडॉग्स के मैचेस में स्ट्रीम होने वाले, वो कैसे खेल रहे हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा, उनके बारे में भी और हमें जानने को मिलेगा। पहले हमें सिर्फ लीडर बोर्ड देखने को मिलता, उससे कितना ही हम समझ पाते कि उनका गेम कैसा है। बस आके चैट में लोग बोलते कि यार इस टीम ने बहुत अच्छा खेला, बट हमें कैसे पता कि वो कैसे खेल रहा है। अब लाइव भी होगा, हम सब कुछ लाइव पे एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग कि जो गरीना ने यहां पे डाला है, एंड अब आप लोगों के पास है सब कुछ। आप लोग ग्राइंड करो, आप लोग शुरू करो तैयारी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अभी तक जाके नहीं किया तो फटाफट जाके कर दो, 11 तारीख आखिरी डेट है, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर एफएफसी मोड चालू होगा, फिर होगा क्लोज क्वालिफायर, फिर तो मजे ही मजे आने वाले हैं। एंड यहां पे आपको सब एनालिसिस मिलेगा, सारे डिटेल अपडेट मिलते रहेंगे। तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।